आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्सी क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2018 के मद्देनज़र बहुत सारे एस्पिरेंट की जो क्वेरीज मेरे पास आती हैं इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए, तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो लेसन सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको शायद हेल्प कर पाऊँ कि आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। तो जैसा आपने टाइटल देखा कि एसएससी सीजीएल 2018 स्ट्रैटेजी रणनीति, जिसमें आज पहले लेसन में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश में, अंग्रेजी को कैसे सुधारें। जब अंग्रेजी को कैसे सुधारें की बात कर रहे हैं तो अभी मैं स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मेरा फोकस है यहाँ पर अंग्रेजी को लेकर एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इंग्लिश को कैसे बेहतर किया जाए। इस लेसन में हम केवल और केवल माइंडसेट की बात करेंगे कि सही मानसिकता क्या होनी चाहिए अंग्रेजी की तैयारी करने के लिए, इंग्लिश की तैयारी करने के लिए। देखिए, ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आते हैं, स्पेशली जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी रीजनल मीडियम से जिन्होंने अपनी स्कूलिंग या ग्रेजुएशन करी हुई है, उनका ये कहना है कि काफ़ी समय देने के बाद भी, मतलब कई लोग मेरे पास ऐसा है कि सर मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इंग्लिश को बहुत मन से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मार्क्स जो है ना एवरेज में ही रह जाते हैं, अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है, हम कैसे करें, ठीक है? तो इन मुद्दों के बारे में मैं बात करूंगा। उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं भी एक हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ। क्लास 12 तक पूरी की पूरी पढ़ाई मेरी हिंदी माध्यम में ही हुई है और मैंने भी इंग्लिश को क्लास 6 से पढ़ना शुरू किया। जैसे कई लोगों की ये कहानी होती है कि हमने तो अंग्रेजी 6वीं से पढ़ा, ये एक कारण है इंग्लिश कमज़ोर होने का, हम अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में नहीं पढ़े, हमने अंग्रेजी में कंटेंट नहीं देखा, तो इसलिए हमारी अंग्रेजी कमज़ोर है। इसलिए मैं पहले लेसन में ये बात करता हूँ सही मानसिकता की, कि जब आपकी शुरुआत आप टाइम भी दे रहे हैं और अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी जो है ना पूरे प्रोसेस में है, और उस प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो होती है आपके माइंडसेट से। तो अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, तो आप कितनी भी मेहनत करोगे वो कहीं ना कहीं जो मेहनत आपकी होती है वो गाइडेड नहीं होती, वो मिसगाइडेड हो जाती है। तो इस पहले लेसन में शायद मैं उस राइट माइंडसेट के लिए क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ पॉइंटर आपको बताऊँगा कि कैसे वो सही मानसिकता अपने अंदर जनरेट करें, और उसके बाद फिर अगले लेसन में ज़रूर बात करेंगे हम बाकी एलिमेंट्स पे कि भाई वोकैबुलरी कैसे सही करें, ग्रामर कैसे सही करें, एंड ऑल रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, जो भी जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, और कहीं ना कहीं पूरा वीडियो जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर पहले ही मैंने कुछ मिथ्स जो हैं, ये मिथ्स मैंने कैसे बनाए हैं, मैंने लोगों से बातें करी हैं, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे मालूम है ये चीज़ कि जो एक कॉमन मिथ्स होते हैं, जो मिथक होते हैं हिंदी माध्यम के छात्रों के अंदर, ठीक है, और जो कि बाकी लेसन में हम बात करेंगे जिसमें कोई भी मीडियम हो इम्प्रूव कैसे करना है वो आएगा पॉइंट, लेकिन मेरा यहाँ मेन फोकस है हिंदी मीडियम के बच्चों का जो एक माइंडसेट होता है, जो एक मिथ उनके दिमाग में होता है, वो ये होता है कि उनके पास कई कारण होते हैं, उनके पास कई कारण है कि उनका उनसे आप जब भी बात करोगे, मैंने भी बात करी है, तो वो आपको 50 कारण गिना देंगे कि उनकी अंग्रेजी क्यों वीक है। क्या कहेंगे, माई इंग्लिश इज़ वीक बिकॉज, मैं किसी को यहाँ हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसकी बात करना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसा सोचते हैं, उस सोच में भी गड़बड़ी है, उसे बदलने की ज़रूरत है। तो एक जो ये कारण होता है कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर क्यों है, इसमें कह रहा है कि मेरी जो स्कूलिंग हुई और जो ग्रेजुएशन हुआ वो हिंदी मीडियम में हुआ, इसलिए मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। क्या ये वैलिड आर्गुमेंट आपको लगता है? नहीं है, क्योंकि देखिए क्लास 6 में भी अगर आपकी इंग्लिश आई, इसका मतलब इंग्लिश के साथ आपने समय गुजारा, उसके बाद भी आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। तो ये जो एक कारण होता है, ये जस्टिफिकेशन होता है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंसोल कर रहे होते हैं कि मेरी कमज़ोरी का कारण ये है कि मैंने क्लास 6 में अंग्रेजी शुरू करी। ठीक है, मैं बताऊंगा इससे क्या नुकसान होता है। दूसरा ये होता है वही कि 6 से मेरी इंग्लिश पढ़ना, मैंने भी 6 से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था, ठीक है, और शुरुआती दिनों में मुझे भी इंग्लिश से डर लगता था, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार जब वो माइंडसेट चेंज हुआ तो आपको पता है सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो जाता है। एक बार माइंडसेट बदलता है फिर आप रेडी होते हो कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए सही तरीके से, ठीक है।
फिर देखिए क्या होता है कि एक और प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, प्रोसेस इनकरेक्ट है। साथ में आपको कहीं ना कहीं समझना है कि आपका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक जो आपके अंदर ये जब थॉट्स आते हैं ना और आपके ये जो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, ये कहीं ना कहीं एक फियर जनरेट करता है आपके अंदर। और ये फियर केवल कॉन्शियसली नहीं होता है आपके अंदर, सब कॉन्शियस में भी ये फियर बैठ जाता है, ये डर बैठ जाता है, क्योंकि आपके पास इतने सारे अनगिनत कारण हैं आपके अंग्रेजी कमज़ोर होने के। कई बार लोग बात करते हैं कि यार अंग्रेजी, मतलब उन लोगों को देखो जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी तो किस्मत ही ख़राब थी कि हम ऐसे माहौल में पले बढ़े और इसलिए हमारी अंग्रेजी कमज़ोर है। देखिए सवाल ये है ना कि उसको सोचने से कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो होता क्या है कि बार बार जब हम इन चीज़ों को देखते रहते हैं, हमें ये विश्वास कहीं ना कहीं अंदर से हो जाता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी सी है, हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी है। और ये अंग्रेजी को लेके जो एक डर अंदर बैठ जाता है इंग्लिश को लेके, आपको पता है ये डर कभी भी आपको खुल के सीखने की आज़ादी ही नहीं देता है। ये जो डर है आपके अंदर, ये डर इतना बड़ा हो जाता है सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली तो अंग्रेजी से एक डर है ही है, सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है सर? मतलब ये होता है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं ना जो बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल जब आपने बाइसिकल चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, तो शुरुआत में तो हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता था कि पैडल पे तो ठीक से पैर भी नहीं पड़ते थे, है ना, हमेशा संभल संभल के चलते थे, ध्यान रखना होता था कि ब्रेक भी लगाना है, साइकिल को भी मोड़ना है, मतलब हर चीज़ को कॉन्शियसली सोचना पड़ता था। लेकिन जब आप साइकिल चलाना धीरे धीरे करके शुरू कर देते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस प्रोसेस है ना वो टेक ओवर कर लेता है, और फिर क्या होता है, आप आराम से साइकिल चलाते हैं और जहां मोड़ से मुड़ना होता है वो बिना किसी हैवी इंस्ट्रक्शन के अपने आप मुड़ जाते हो। तो वो सबकॉन्शियस में भी हमारी चीज़ें चलती हैं। तो जो आपका एक कॉन्शियस फियर है, जो डर है, ये आपके सबकॉन्शियस में भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है, और ये डर ना आपको सही से सीखने ही नहीं देता है। आप हमेशा किसी स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, दो महीने बाद लगेगा नहीं 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 फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ और करेंगे, फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ और करेंगे, और इसमें क्या होता है ना कि पूरा एक मेस क्रिएट हो जाता है और आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपका प्रोसेस जो करेक्ट है वो कम्प्लीट ही नहीं होता कभी। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने की वजह से ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, आप बहुत आराम से इस सब्जेक्ट में एक्सेलेंसी ला सकते हो, आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो ये जो दिमाग में आपके थॉट चलता है ना, ये जो माइंडसेट है कि मेरा बैकग्राउंड कारण है कि मैं कमज़ोर हूँ और कमज़ोर रहूँगा, ये दिमाग से निकाल दो। आपके डीएनए में कोई ख़राबी नहीं है, आपके जीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी अगर डिसाइड करें कि करना है तो होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो ये पुरानी बातें हैं ना जो दिमाग में चलती रहती हैं और जो एक्सक्यूज़ है ना, इनको हटा दो। आपको तो खुश होना चाहिए कि अंग्रेजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है आज की डेट में, ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ठीक है। हम पता है हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा मूव करके साउदर्न रीजन में जाएंगे, ईस्टर्न रीजन में जाएंगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो शायद हमारी हिंदी भाषा को भी ना समझें, वहाँ हमें शायद उनसे इंग्लिश में बात करनी पड़े। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और आपको इसी प्रिपरेशन के माध्यम से एक मौका मिला है कि अंग्रेजी इंप्रूव कर लो, तो इससे सुनहरा मौका क्या हो सकता है? इसको तो आप एक सुनहरे मौके की तरफ देखें कि एग्जाम के बहाने ही सही मुझे एक मौका मिला है एक और भाषा सीखने का, और जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है, आज की डेट में इंग्लिश आना चाहिए, अगर आता है तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहला काम ये करें ना, डर भगा दो। और क्या रोक के रखता है आपको, मैंने यही अगला ये इंक्लूड किया कि व्हाट होल्ड्स यू बैक, आपको पीछे क्या चीज़ खींचती है, वो होता है द पास्ट। यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द पास्ट, हमेशा आप अपने भूतकाल के बारे में सोचते रहते हो अंग्रेजी को लेके, कि सिक्स क्लास से शुरू करी पढ़ना अंग्रेजी, सारे मीडियम हमारा सारा कंटेंट हिंदी में था तो इसलिए हम रह गए कमज़ोर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना तो आज के बाद कभी एक्सक्यूज़ देना कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर क्यों है, अरे हमारा फोकस इस पर क्यों हो कि भैया हमारी अंग्रेजी कमज़ोर होने का सारा कारण पास्ट में छुपा हुआ है। छोड़ दो पास्ट को, भूल जाइए पास्ट को, पास्ट को छोड़ दीजिए, और कोई एक्सक्यूज़ आज के बाद नहीं देना है कि हमारी अंग्रेजी कमज़ोर क्यों है, उसका कोई मतलब और महत्व नहीं है।
सिर्फ फोकस करना है कैसे इम्प्रूव करना है। माइंडसेट करेक्ट हुआ। एक चीज़ और ध्यान रखो कि जब भी कभी वो भूतकाल का ख्याल आपके मन में आए, मंत्रा ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी लाइन्स हैं, यू कैनॉट हैव ए बेटर पास्ट। आपका भूतकाल ना बेहतर नहीं हो सकता है। बेहतर का सेंस, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसके बारे में सोच सोच के क्या आप उसको बेहतर बना दोगे? नहीं बना सकते। तो अगर आपका भूतकाल बेहतर नहीं हो सकता है तो अननेसेसरी, अनावश्यक उसको सोचने का क्या फायदा भाई? तो ये लाइन ध्यान रखना, यू कैन हैव, यू कैनॉट हैव ए बेटर पास्ट। आपका भूतकाल जो था उससे बेहतर नहीं हो सकता है। प्रोग्रेसिवली आगे के बारे में सोचिए, ठीक है? और आज से एक्सक्यूज देना बंद करो कि अंग्रेजी मेरी इन कारणों से कमजोर है। नहीं, हमें अब उस प्रोसेस पे फोकस करना है जिससे हमारी अंग्रेजी बेहतर होगी, ना कि उन कारणों पे बैठे रहेंगे जिनकी वजह से ये कमजोर रह गई, ठीक है? तो ये छोड़ दीजिए, ये दो मंत्र ध्यान रखिएगा। पास्ट जो आपका था इंग्लिश में वो भूल जाइए, वो आपके भविष्य में इंग्लिश अच्छा करने से आपको रोक नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मदर टंग में पूरी पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन तक करी, लेकिन आज उनकी इंग्लिश बहुत एक्सेलेंट है। तो वो आउटलुक आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर लाना पड़ेगा, ये विश्वास अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा कि ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं कि अभी अच्छी नहीं है, पर तो क्या हुआ, मौका मिला है, सीखेंगे और इसको बेहतर हम करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। और पास्ट छोड़ दो। आगे आते हैं कि चलो ठीक है, पास्ट को भी आपने टैकल कर लिया, भूतकाल के बारे में अब तो नहीं सोचेंगे कि भाई वो क्यों कमजोर था, अब हमें फोकस करना है आगे। अब देखिए क्या होता है, जो एक पॉइंट मैंने आपको दिया कि कई लोगों ने बोला कि भैया हार्डवर्क करो, अरे सब लोग बोलते हैं हार्डवर्क करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो हार्डवर्क करते हैं तब भी इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो यहां हार्डवर्क ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस हार्डवर्क करते रहो, डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है कि वो डायरेक्शन भी सही हो। दिशा ही गलत है तो करते रहो हार्डवर्क, क्या ही मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो हार्डवर्क से ज्यादा जरूरी होता है पहले तो करेक्ट डायरेक्शन, कि किस दिशा में मैं चलूं। देखिए दो तीन प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूं कि लर्निंग जब भी आप करते हो ना, तो एक होता है ना कहीं ना कहीं कि लर्निंग को एक मजबूरी के तौर पे लेना, जिसको बोलते हैं बर्डन, है ना? अब अंग्रेजी के आपके लिए क्या है, एक बोझा है, एक भार है। अब सर पे एक भार उठा लिए, बोझा, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उसको बस ढो रहे हो। जब आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उसको ढो रहे हो, तो आप उसमें अपना 100% कभी नहीं दे पाएंगे। आप पता है, आप मेहनत करेंगे लेकिन उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए एक बोझा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश को एज ए बर्डन मान के चलते हैं, वो उनके लिए भार है, उनके लिए मजबूरी है। उनको एक छोटी सी चॉइस दी जाए ना अभी कि चलो ठीक है, अंग्रेजी तुम मत पढ़ो, ठीक है, कुछ ऐसा मौका उनको मिले ना, तो वो अंग्रेजी कभी एग्जाम में चूज ही ना करें, कहें छोड़ो एक दूसरी चॉइस है उसको लेके चलेंगे। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो इसको सिर्फ एग्जाम से एसोसिएट मत करो कि ये सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है। इसको ना अपना पैशन क्यों नहीं बना लेते हो आप? इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कहता हूँ इसके बिना काम नहीं चलेगा, बट काम चलाने वाली जिंदगी क्यों जीना चाहते हो, है ना? क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जिए जिसमें और ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रह पाए। तो एक भाषा सीखने से अगर आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हो, बहुत सारा मटेरियल जो है जो इंग्लिश में ही होता है उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो भाई ये बर्डन के तौर पे मत लो, इंग्लिश आज की डेट में जानना चाहिए। तो इसको बर्डन से रिप्लेस करो पैशन से। पैशन इन द सेंस कि भाई अब मुझे अंग्रेजी सीखना है, ये मेरा पैशन है। तो क्या हुआ, जिस चीज़ को आप अभी तक भार की तरह समझ के कर रहे थे ना, अब आप उसको मज़े से करोगे, ठीक है? तो ये एक आउटलुक में भी चेंज आना चाहिए। आपको ये नहीं समझना अंग्रेजी एग्जाम के लिए पढ़ना, जैसे ही छुट्टी मिले छोड़ेंगे इसको, कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ेंगे। मैं वही कह रहा हूँ आपको, इतना बेहतर मौका मिला है एक लैंग्वेज को और थोड़ा इसमें एक्सेलेंट होने का, क्यों नहीं सीखोगे भाई? वोकैबुलरी क्यों नहीं स्ट्रांग करते हो, थोड़ा ग्रामर क्यों नहीं अच्छा करते हो, ठीक है, करो, ये तो मौका है। तो आप इसको ना एज ए अपॉर्चुनिटी आप इसको ट्रीट करो, और कहीं ना कहीं ये पैशन बनाओ कि यार मुझे इसको सीखना है। जब कोई चीज़ आप पैशन बनाते हो ना, तो पता है क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो आपका वर्क का डायरेक्शन होता है ना, वो बहुत ही जॉयफुल हो जाता है, आपको मज़ा आने लगता है। मतलब आपने एक चैलेंज ले लिया कि यार मुझे को अंग्रेजी सीखना है और मन से सीखना है, मतलब मैं डर के नहीं पढ़ूंगा इस सब्जेक्ट को। वो जो डर है ना सब्जेक्ट का, जो पास से आपके आ रहा है, पास को क्लियर करो पहले, पास को क्लियर किया, अब क्या है, अब मुझे सीखना है, आगे के लिए सीखना है,
मुझे क्यों सीखना है वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं सीखना है, मुझे इंग्लिश में बेहतर होना है, मुझे इसको एज ए लाइफ स्किल ट्रीट करना है, मुझे इंग्लिश जानना है। जिस चीज के ना जानने से अगर आपके अंदर थोड़ी भी इन्फीरियोरिटी आती है, और आपको मौका है, मैं वही कह रहा हूं, आपको मौका है तो क्यों नहीं सीखते हैं, सीखेंगे। तो ये एक थोड़ा सा आउटलुक अपना बदलिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, बी पैशनेट अबाउट इट। तो जब ये चीज हो जाती है तो काम आसान हो जाता है। मतलब आगे आप, मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत इन्वॉल्वमेंट से चीजें करोगे। दूसरा क्या है ना कि वही मैं कह रहा हूं कि आपके पास च्वाइस नहीं है अंग्रेजी को छोड़ने की, करना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है। एसएससी में तो इंग्लिश आएगी, मेंस में टीयर टू में 200 नंबर की आएगी, प्री में 50 नंबर की आएगी, तो पढ़ना है, च्वाइस नहीं है। तो सिर्फ हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना मन से काम करें, कम मेहनत में काम हो जाएगा। जब आप कोई चीज़ मन से करते हो, आपको एक गेम में मैं कहूँ जाओ खेलो, आपका मन ही नहीं है, क्या करोगे, बिना मन के खेलोगे, जल्दी सीखोगे, नहीं सीखोगे, वक्त लगेगा भाई, मन ही नहीं है जो काम करने का आपको। मैंने जबरदस्ती आपसे बोला कि जाके बैडमिंटन खेलो, आपका मन ही नहीं है उसमें। अब आपका उसमें अगर मन ही नहीं है तो आप बताओ आपको सीखने में टाइम लगेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल लगेगा, और आप उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप उस गेम को एंजॉय नहीं करोगे। जब आप गेम को एंजॉय करोगे आपको मज़ा आने लगेगा, जब मज़ा आने लगेगा तो आप और ज़्यादा सीखोगे और आपका बेस्ट बाहर आएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि स्टार्ट एंजॉयिंग द इंग्लिश, ये आप करना शुरू करो, आपके अंदर चेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा, आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और जब हमारे पास च्वाइस नहीं है इसको भाई छोड़ने की, तो सीखना ही सीखना है, एग्जाम के लिए भी सीखना है तो सीखना ही सीखना है, तो अब इससे क्यों भागें, वाई टू रन अवे फ्रॉम इट। चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सीखना है, तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई आपके लिए। फिर वही है, मेक लर्निंग इंग्लिश ए जॉय नॉट एज ए बर्डन, इसको बर्डन मत बनाइए। जब तक ये बर्डन रहेगा मैं कहूँगा आप 4 घंटे दोगे आउटपुट कुछ नहीं होगा। सीखना है ना इसको, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम है उसको आप सीखना चाहते हो, है ना थोड़ा, तो इस प्रोसेस को ना मैं वही कहता हूँ कि इसको आप एग्जाम के लिए ही मत ट्रीट करो, अपनी एक लाइफ स्किल है जो शायद एग्जाम खत्म होने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। आप अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग को ऐसे एसोसिएट करो कि सिर्फ एग्जाम तक नहीं बढ़ना मुझे, मैं एग्जाम के बाद भी कंटिन्यू करूंगा, है ना। क्योंकि ऐसा आप करते हो तो आपके पास एक वास्ट रिसोर्स है, जो लर्निंग रिसोर्स है, बहुत सारा लिटरेचर इंग्लिश में ही है, वो भी पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। आप एफिशिएंट होगे तो एक स्किल ऐड हो रही है आपके अंदर, तो उससे क्यों भागना, ये केवल एग्जाम के लिए नहीं करना है मुझे, मुझे एग्जाम के बाद भी करना है। इस तरह का एटीट्यूड लेके चलो, आपके लिए बर्डन नहीं रह जाएगा, बर्डन नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। साथ में एक चीज़ और, मुझे इम्प्रूव करना है, आई हैव टू, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप च्वाइस नहीं है, हमें एग्जाम निकालने के लिए भी इम्प्रूव करना है, मैं कह रहा हूँ इसको आप लाइफ स्किल से एसोसिएट करो, तो भैया मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है, करना है। ये एक पॉजिटिविटी देता है, एक कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी देता है, है ना, एक कमिटमेंट भी है कि आई हैव टू, मुझे करना है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट पास्ट, मैं पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, अब मैं इसको करके दिखाऊंगा, मुझे करना है, मुझे इंप्रूव करना है, ठीक है। तो फिर कोई मौका ही नहीं छूटेगा आपसे लर्निंग का, आप हर समय इसको सीखने की कोशिश करोगे। साथ में देखिए, इसमें मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया है जिसमें कह रहा हूँ कि गिव योर सेल्फ एज मच एक्सपोजर एज यू कैन। एक्सपोजर किसका, किसके लिए, इंग्लिश के लिए। देखिए ठीक है, आपके एग्जाम में आपकी टेक्स्ट बेस्ड इंग्लिश आपके सामने होगी, टेक्स्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, उनको पढ़ना है, कभी वोकैबुलरी में एंटोनिम सिनोनिम, कभी ग्रामर, कभी कुछ करना है, यानी आपका जो मेन इंटरेक्शन होना है सब्जेक्ट से फॉर एग्जाम वो टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन होगा। पर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप जितना एक्सपोजर अपने आप को दे सकते हो इंग्लिश में किसी भी फॉर्म में वो दो, आपका जो कंफर्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक बहुत कॉमन चीज़ लोग बोलते हैं एडिटोरियल पढ़ो। आप क्या करते हो ना, प्रॉब्लम क्या होता है एडिटोरियल पढ़ने से इंप्रूवमेंट, मैंने लोगों को बताता हूँ, साल साल भर एडिटोरियल पढ़ के उन्होंने मुझे फोन किया, बोले सर नहीं फायदा हो रहा है। अरे भाई जब तक आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो मजा आ नहीं रहा है तो क्या है आपके लिए, बर्डन। जब कोई चीज बर्डन होगी ना उससे आउटपुट की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप रखो मत, बर्डन समझ रहे हो, बर्डन जबरदस्ती किए जा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, नहीं होगा फायदा। देखिए एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल अपने आप में एक ऐसा पीस होता है जिसमें आपको पता है कि जो लिख रहा होता है, जो एडिटोरियल आता है, मैं एग्जांपल लूँ द हिंदू की या किसी की, एक ओपिनियन कॉलम होता है जिसमें कोई ऑथर लिखता है, और एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बोर्ड होता है जो उस दो पीसेस को कॉलम में लिखता है ऐसे करके। तो वो लोग क्या होता है ना, इश्यूज़ को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे करके रेमेडी और सब कुछ सजेस्ट करते हैं। एडिटोरियल में पढ़ने का मज़ा तभी आएगा जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री मालूम हो, थोड़ा बहुत आप एनालिसिस वाला एटीट्यूड है आपका न्यूज़ का, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट में होता है, उनकी उनकी ज़रूरत भी है, उनकी मजबूरी भी है कि उनको पढ़ना है, तो होता क्या कि वो थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री जानते हैं, वो थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ के आते हैं बेसिक, तो उनके लिए न्यूज़पेपर का इन्फॉर्मेशन रिलेट कर पाते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है कि यार मेरे को इससे नॉलेज गेन करना है। आपके एडिटोरियल पढ़ने का क्या मकसद होता है, अरे मेरे को अंग्रेजी इंप्रूव करना है, नहीं होगी, मत पढ़ो एडिटोरियल।
ठीक है, थोड़ा सा कंफर्ट लेवल जब अच्छा हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि यार मेरे को एनालिसिस वाली न्यूज थोड़ा पढ़नी है, फिर पढ़ना एडिटोरियल, तब तक क्या करें, ना पढ़ें, पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उस भाषा को उस भाषा में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली पढ़ो, पर जिसमें मज़ा आया वो पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के यहाँ न्यूज़पेपर लगा रहे हो, एडिटोरियल खोल के सुबह सुबह अपने आप को इतना टॉर्चर कर दिया कि पूरा दिन खराब हो गया। सो अपने आप को टॉर्चर मत करो भाई, जो पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, एडिटोरियल की पीस जो एक कॉम्प्लेक्स पीस है आपके लिए, है ना, वो एक इंडिया और यूएसए की एक कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन कर रहा है, आपका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों उसको पढ़ रहे हो, मज़ा आएगा नहीं। आप क्या करो ना, जो भी मज़ा आता है, आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो अंग्रेजी का स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना शुरू करो, आपको फिल्मी दुनिया में मज़ा आता है कोई बात नहीं, आप फिल्म सेक्शन पढ़ो। इंटरनेट पे इतने वास्ट रिसोर्सेज हैं कि आज की डेट में आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो मटेरियल आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। तो आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ों से उस लैंग्वेज में कंफर्ट डेवलप करो पढ़ने में। तो एक तो हो गया उससे एक्सपोजर हर फॉर्म में पढ़ना, यानी हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो कुछ टाइम ज़रूर निकालिए दिन में कि जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, है ना, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, आपका फिल्म हो सकता है, आपका कॉमेडी हो सकता है, आपका पॉलिटिक्स हो सकता है, कुछ भी, वो इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जब कंफर्ट लेवल डेवलप होगा, एडिटोरियल की बातें तो बहुत बाद में आती है, नहीं पढ़ोगे ना एडिटोरियल तो भी एग्जाम निकल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि एडिटोरियल पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, स्टैंडर्ड बन गया कि एडिटोरियल पढ़ो, बट ऐसा नहीं है कुछ भी। जब मज़ा नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टेज अभी आपका नहीं है कि आप बैठ के एडिटोरियल में अपने आप को सुबह सुबह टॉर्चर करके खूब सारा खून जला लो, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए बचा के रखो। फिर बात हुई थोड़ा सुनने की, मैच देखते हो कभी, मैच देखते हो तो भाई एक काम करिए, हिंदी कमेंट्री ना सुनो, बहुत अच्छा लगता है हिंदी, मुझे बहुत पसंद है, मैं भी मैच देखता हूँ तो मुझे हिंदी में ही सुनने में मज़ा आता है, अपनी भाषा है, सुनने में कितना आनंद आता है वो ठीक है, लेकिन थोड़ा दिन, ठीक है, जब तक आपका ये इम्प्रूवमेंट आपको करना है या जो भी करना है, थोड़ा दिन आप क्या करो ना, चेंज कर लो। जब भी आप कोशिश करो कुछ सुनने की ना, जैसे मैच देख रहे हो, मैच तो इन्जॉयमेंट कर रहे हो आप, मज़ा आ रहा है आपको, है ना, इन्वॉल्व हो आप गेम में, गेम देख रहे हो, स्विच टू इंग्लिश कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री सुनो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाषा से जितना ज़्यादा आप एक्सपोज कर सकते हो अपने आप को, करिए, ठीक है, इसका बहुत फ़ायदा होता है, ये स्लो प्रोसेस है लेकिन आपको समझ में आने लगेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने लगेगी सब्जेक्ट को लेके, ज़रूर करिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को दिन भर टॉर्चर कर दो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में ही घर में बात करेंगे, ऐसा सब मत करो, लोग आपको पागल समझने लगेंगे और बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप कहोगे मैं कभी किसी से हिंदी में बात नहीं करूँगा, आप मुझसे सिर्फ अंग्रेजी में बात करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप अपनी लीजर एक्टिविटी या कुछ भी करो, थोड़ा कोशिश करो कि अंग्रेजी में कुछ चीज़ें सुनी जाएँ। जितना ज़्यादा एक्सपोजर आप अपने आप को इंग्लिश में दोगे, उतना ही बेहतर होते जाओगे आप, स्लोली एंड स्लोली, ठीक है। दूसरा देखिए होता है, एक होता है प्लान। इंग्लिश में मैंने देखा लोगों के प्लान ना पूछो नहीं कैसे बदलते हैं, और एक तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे होते हैं, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्लान होता है उनका, सिंपल प्लान नहीं होता है, हर चीज़ को वो जंप करने की कोशिश करते हैं प्रोसेस को, कि वोकैबुलरी सीखने के लिए सबसे छोटा तरीका खोजेंगे कि क्या सबसे छोटा तरीका है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। शुरू में मज़ा आएगा लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक्सेलेंट नहीं हो सकते हो अगर आप बिल्कुल रेडीमेड प्रोसेस में गए, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, मैं अगले के लेसन में आपको बताऊंगा। तो एक प्रॉपर प्लान नहीं होता है तो होता क्या है ना, कि जैसे होता नहीं कि जिम में जाते हो आप लोग तो इमेजिन करके जाते हो कि यार मेरे को बॉडी बनानी है उस तरह के हीरो की, ठीक है, तो दिमाग में तो वो इमेज बन गई, लेकिन जब गए वहाँ पर जोश में केले खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, और करना शुरू किया एक्सरसाइज, रोज़ अपनी मसल्स को ऐसे चेक करें कि बनी कि नहीं बनी, 7 दिन बाद लगता है यार कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, क्या होता है, बंद, ठीक है, नहीं गए। तो होता क्या है ना, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तुरंत इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है कि आप गए 2 दिन में मसल्स बिल्ड हो जाएंगे, ना, वक्त लगाना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और एक सही डायरेक्शन में बिना हारे हुए काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 7 दिन किए फिर लगा नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वर्ड रिटेन नहीं हो रहे हैं, अब वो फिर क्या किसी और के पास पहुंच गया कि बताओ कैसे करें, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है, मैं आपकी हेल्प करूंगा प्लान बनवाने में, और अगर उस प्लान को बनाया अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करिए और स्टिक करिए, अगर आप उस पर स्टिक करोगे ना तभी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, मे बी 1-2 महीना लगेगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने में, लेकिन स्टिक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो वो प्लान इतना वेरिएबल होता है आपको कि कल को कोई और आके बता देगा तो आप नया प्लान अंग्रेजी में बना लोगे, इसका नोट्स, उसका नोट, ये किताब, वो किताब, कितना भी कर लो ना कुछ नहीं होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, ए बेटर प्लान, और अगर आप उससे स्टिक करते हो आप अंग्रेजी में ज़रूर इम्प्रूव होगे।
ठीक है। देखिए मेरा पर्पस आपको इस लेसन से यही था कहीं ना कहीं आपको बताना कि पहले अपना माइंडसेट सही करो। अगर आपने अपना माइंडसेट करेक्ट कर लिया और जितने भी पॉइंटर्स की मैंने बात करी है इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रखो, इन सब का स्क्रीनशॉट लेके रखो और इनके बारे में थोड़ा सा समय दे के सोचो और वो अपना जो भूतकाल है ना इंग्लिश को लेके, वो जो कर्ज अपने आप को आप देते रहते हो चाहे स्कूल को चाहे टीचर्स को, छोड़ दो। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ोगे ज़रूर इंप्रूवमेंट होगा, मैं बता रहा हूँ। आगे के लेसन्स में मैं बात करूँगा वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए कि क्या करना चाहिए आपको, मतलब अब मोर हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड आ रहे हैं। एक माइंडसेट चाहता हूँ आप करेक्ट कर लो, दो तीन दिन में कम से कम जितना सोच सकते हो सोच के अपना एक माइंडसेट बना लो ताकि रिपीट आप उसी साइकिल में ना पहुंच जाओ पास्ट वाले में, घूमने लगो फिर से और वो एक्सक्यूज़ देना शुरू करो, बंद करो एक्सक्यूज़ देना, नहीं देना। आप तो वोकैबलरी पे बात करेंगे, फिर एक और लेसन लेंगे जिसमें ग्रामर की बात करेंगे, फिर रीडिंग एबिलिटी की भी बात करेंगे। तो इस सीरीज़ में कोशिश कर रहा हूँ 4 या 5 लेसन बनाने की जिसमें ओवरऑल हॉलिस्टिक में आपकी हेल्प कर पाऊँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर हिंदी माध्यम या रीजनल मीडियम के बच्चे को ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें। उसका माइंडसेट जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, वो कितना भी टाइम इसमें लगाए। अगर माइंडसेट करेक्ट होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत कम समय में बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो माइंडसेट सही करने के लिए इस वीडियो से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है, लर्निंग देने की कोशिश करी है, इसको आत्मसात करिए, है ना, और सब तक ये वीडियो लेसन ज़रूर पहुँचाइए, हर जगह शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे को ये पता चले कि सही माइंडसेट सही मानसिकता अंग्रेजी सीखने के लिए क्या होनी चाहिए। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।